दो सफलताएं चटकाई थी, एक चौवा जरूर मारा था समीर नाइक ने उनके ऊपर, लेकिन आकाश घरत ने उनको छक्का छक्का दिखाया मिड विकेट के ऊपर से। कमबैक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पांच ओवर का मुकाबला, 50 के आंकड़े को नहीं पार होने देंगे, एक ठान रखी है कि उन्होंने ओवर द विकेट। ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के विजन में गेंद को रोका गया, 58 स्कोर कार्ड के ऊपर, तीसरी ओवर स्कोर कार्ड के ऊपर। संदेश की ओर देखा जाए, मैडी देखा जाए तो एक छगा एक चौवा, यानी कि दो गेंदों में 10 रन आए, तीसरी ओवर फुट बेस के ऊपर है, फिर भी 8वां रन यहाँ पर, यानी कि डॉट गेंदे काफी खेली है वोडाफोन वहाल क्रिकेट टीम ने। टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो ये डॉट गेंदे काफी खतरनाक संकेत देती है, क्योंकि डॉट गेंदों के ऊपर नंबर नहीं रहते और वही आपके टीम के खराब नंबर बनाते। इनिंग के अंत की बात की जाए तो और एक वाइड गेंद की समाप्ति, 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, विनोद भगत प्रेशर में थोड़े से आ चुके क्योंकि दो वाइड अब तक देखा जाए इस इनिंग में की गए। पहली गेंद के ऊपर छगा लगने के पश्चात गेंदबाज थोड़ा सा द्विधा मनस्थिति में रहते, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड उन्होंने दिखाया था दूसरी गेंद रिलीज करते समय। इस बीच और एक बार ताकतवर स्ट्रोक, गेंद सीधी पहुंची मिड विकेट सीमा रेखा को चीरती हुई 6 रनों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। हाफ वॉली में गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी, बैक फुट पर गए और मिड विकेट के ऊपर से शानदार और बेहतरीन छगा दागा, और एक छगे की मदद से रफ्तार के साथ 25 रनों के ऊपर स्कोर कोर्ट पहुंचता हुआ वोडाफोन वहाल क्रिकेट टीम का। विनोद भगत थोड़ी सी मार पड़ रही है उनको, ये देखिए गेंद, अपील जरूर हुई है वहां पर, बल्लेबाज की पारी का खात्मा। धन्यवाद। धन्यवाद डीजे मास्टर। तो अगले मुकाबले के लिए मैं टॉस के लिए इनवाइट करना चाहूंगा अजनबी ओड़े और पावगांव, इन दोनों टीमों के कप्तान को सूचित किया जाता है कि आइए आप, टॉस किया जाएगा आप दोनों के बीच में। 25 रनों के ऊपर समीर नाइक नामक एक बवंडर तूफान में थमता हुआ मैदान पर थमता हुआ, 7 गेंदे की जिनकी पारी, एक छगा एक चौका उन्होंने दिखाया। नए बल्लेबाज प्रतीक पाटिल, गेंदबाजी के लिए विनोद भगत, दो छगे जरूर खाए लेकिन विकेट लेने का क्रम उन्होंने जारी रखा। 1-2 को आखिरी गेंद, इस ओवर के फील्ड यहां पर तितराई जा चुके, मिड विकेट लॉन्ग ऑन और स्क्वेयर लेग। ये देखिए आड़े बल्ले से फिर एक बार खेलना चाहते थे, बैक टू बैक दूसरी विकेट का पतन, और इस मुकाबले में निश्चित रूप से थोड़ी सी हावी होती हुई कोम्बड़ भुजे क्रिकेट टीम। डीजे धन्यवाद डीजे। तो टोटल की बात करेंगे, इस समय टोटल रुका हुआ 25 रनों के ऊपर और विकेट कुल मिलाकर देखा जाए तो विनोद भगत की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने दो छगे एक चौवा जरूर खाया, मात्र दो ओवर का अपना स्पेल खत्म करते
उन्होंने चार विकेट चटकाए, पहले ओवर में दो चटकाए थे, तीसरे ओवर में दो विकेट चटकाए, यानी कि लगभग आधी वहाल वोडाफोन वहाल क्रिकेट टीम को पैवलियन का रास्ता दिखाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। विकेट तो उन्होंने चटकाई, लेकिन आखिरी दो ओवर का खेल बाकी है, स्लॉग ओवर डेथ ओवर में अक्सर कहा जाता है, स्लॉग ओवर डेथ ओवर में काफी ज्यादा स्लॉगिंग की जाती है, स्लॉग स्वीप देखे जाते हैं, विकेट के चारों ओर हमें स्ट्रोक दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार किस प्रकार का यहाँ पर निश्चित रूप से एटीट्यूड दिखाएंगे ये दोनों बल्लेबाज, ये सबसे देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए आकाश गवत एक चौवा एक छगे के रूप से अपने पारी को पनपा रहे और कोम्बड़भुजे क्रिकेट टीम की गेंदबाजी की मर्यादाओं को यहाँ पर निश्चित रूप से जाहिर करने की बात की जा रही है। तो और एक सचिन नाइक और एक गेंद फेंकी जा चुकी है, डॉट के रूप में निकली थी इस ओवर की एक गेंद, ये दूसरी गेंद इस ओवर की, ये देखिए ऑन साइड में जगह बनाई है, फील्डिंग काफी दूर है सिंगल के लिए, सिंगल पूरी किए दूसरे के लिए दौड़े, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, देखिए छोटी सी गलती के कारण सिंगल डबल में कन्वर्ट हुई, इस प्रकार के रनों की आवश्यकता है वोडाफोन वाहल क्रिकेट टीम को। और वही शुरुआत यहाँ पर वही एक गेंदबाज रोहन कोड़ी, ये देखिए अच्छी गेंद थी, गेंद की लाइन को काफी अच्छी तरह से रख रहे और लंबाई को एडजस्ट कर रहे, सिंगल डबल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे, क्योंकि अभी भी देखा जाए पहले इनिंग के 10 गेंदों का खेल बाकी है, क्योंकि 5 ओवर का मुकाबला चौथी ओवर प्रोग्रेस के ऊपर है, 2 गेंदे फेंकी जा चुके। स्वर्गीय चंद्रकांत काशीनाथ केणी स्मृति चषक 2019 का ये डिक क्विक और सुनील स्पोर्ट्स के द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट ग्रामीण टीमों के लिए खिलाई जा रही है। ये देखिए एक और स्लो राम की थी, लगातार शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन रोहन कोड़ी के द्वारा, चौथे गेंदबाजी के जिम्मा उनके ऊपर दिया है, तो 4 गेंदे हो चुके और 3 रन अब तक उन्होंने खर्च किए। नफीतुली गेंदबाजी डेथ ओवर में इस प्रकार की गेंदबाजी करना काबिले तारीफ में कहूंगा, क्योंकि विपक्ष क्रिकेट टीम के जो बल्लेबाज रहते बड़े स्ट्रोक लगाने के अपने हुनर की आजमाइश करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो काबिले तारीफ गेंदबाजी, गेंदों की लाइन लेंथ और लंबाई, रिलीजिंग पॉइंट काफी अच्छा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी बढ़िया यहाँ पर दिखाई दे रहे, एक रिकॉग्नाइज गेंदबाज। ये देखिए ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया है, खाली क्षेत्र का चयन किया है, गेंद नहीं रुकेगी बिना 4 रन लिए। डीजे धन्यवाद धन्य डीजे मास्टर, टोटल 32 स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मैं डीजे मास्टर के भी प्रेजेंस ऑफ माइंड की तारीफ करूंगा, क्योंकि बल्लेबाज का दिल कलप रहा था सीमा रेखा को छूने का, और आखिरकार उस सीमा रेखा को छुआ 4 रनों के लिए, 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चौथी ओवर खत्म हो चुके, आखिरी ओवर मैंने 50-55 की बात यहाँ पर की थी, लेकिन जिस प्रकार से तीसरी और चौथी ओवर में जो गेंदबाजी की थी काबिले तारीफ थी, क्योंकि तीसरी ओवर में बनाए थे माफ कीजिएगा तीसरी ओवर में बनाए थे 5 और 14 और तीसरे चौथी ओवर में बनाए मात्र 7, जिसमें कि एक चौवा जरूर था, यानी कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज में रोहन कोड़ी को कहूंगा, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की। आखिरी ओवर रहेगी इस साहिल कोड़ी, आखिरी ओवर रहेगी इस पहले इनिंग की, इस आखिरी ओवर में कितने रन जुटाते इसके ऊपर टारगेट निश्चित किया जाएगा, फिर उस टारगेट के ऊपर किस प्रकार की रणनीति बनाएंगे वोडाफोन वाल क्रिकेट टीम के गेंदबाज। टॉस के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा अजनबी ओड़े और पावगांव क्रिकेट टीम के कप्तान, आइए आप अजनबी ओड़े और पावगांव क्रिकेट टीम के कप्तान, क्योंकि अजनबी ओड़े क्रिकेट टीम इस नाम से ओड़े की मुझे लगता है 2-3 टीमें, कम से कम 2 टीमें खेली जा 3 टीमें खेली जाती है, और जब मैं उस टीम के कप्तान को देखूंगा तो सही महीने में कौन से अजनबी ओड़े क्रिकेट टीम है देखूंगा। पिछले साल भी इसी मैदान के ऊपर हमने एक टूर्नामेंट देखी थी जहां पर 2 ओड़े टीमें जो कि एक ही बॉल से सेमीफाइनल के लिए सामने सामने आई थी, क्या आज भी ऐसा कुछ होगा ये सबसे बड़ी देखने वाली बात रहेगी। तो बीच मैदान पर चलते, आखिरी ओवर स्लॉग ओवर डेथ ओवर जिसे कहा जाता है, किस प्रकार की स्लॉगिंग करते हैं, किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं,
ये देखिए इनसाइड आउट खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, ये दमदार जानदार चौवा, और इस चौवे की मदद से जिस स्लोगिंग की बात कर रहे थे आखिरकार इसका आरंभ प्रारंभ हो चुका है। डीजे तो पावगांव क्रिकेट टीम के कप्तान यहाँ पर बिल्कुल आ चुके, और हमारे सहयोगी कमेंटेटर रिवॉल भी जलपान करके आए। देखिए वहां पर तूतू मैमई चल रही है, ये तूतू मैमई न मैदान पर अच्छी रहती है न घर में अच्छी रहती है, क्योंकि तूतू मैमई जहां पर होती है दुर्घटना जरूर घटित होती है, और बीच मैदान पर वैसे दुर्घटना घटित हुई और एक विकेट का पतन। डीजे धन्यवाद डीजे मास्टर। इस बीच मंच पर डिक क्रिक के प्रोप्राइटर समीर जी किणी यहाँ पर तशरीफ लाए, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। ओवर द विकेट, ये देखिए शॉर्ट ऑफ गुडलेन गेंद थी, ऑफ स्टंप के सीध में रखा, रिलीजिंग पॉइंट काफी अच्छा था, थोड़े से बैकफुट पर गए थे बल्लेबाज जो कि कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन तेज तर्रा गेंदे जैसे कि गोली की तरह गेंद निकल गई, डॉट गेंद की समाप्ति। पांचवें ओवर के ऊपर एक चौवा जरूर आया था और उसके पश्चात कमबैक कर रहे गेंदबाज, ये देखिए इम्प्रोवाइज करना चाहते थे, टाइमिंग वहां पर अच्छी नहीं थी और एक विकेट का पता। डीजे धन्यवाद डीजे। तो ओडेक विकेट टीम के कप्तान और पावगांव टीम के कप्तान दोनों आए हैं, बिल्कुल इस बाइक के सामने आपको आना है जहां पर आपका टॉस किया जाएगा। ओडे और पावगांव टीम केतन महर एक तरफ हम देख पा रहे, तो ओडे की ओर से कप्तान है तो अभिजीत मात्रे, ओडे क्रिकेट टीम की ओर से कप्तान है और केतन महर, इनके बीच में टॉस किया जाएगा। लेकिन ये देखिए उसी अंदाज के साथ कार्बन कॉपी घात लगाकर क्षेत्ररक्षक के बैक टू बैक दूसरी विकेट का पतन, और वोडाफोन वाहल की यहां से मुश्किलें बढ़ती हुई। डीजे हेलो, थैंक यू वेरी मच। लास्ट मैच ऑफ फर्स्ट राउंड पारगाव विपक्ष अजनी बोवळे यामध्ये फाइट होणार, टॉस करतील टूर्नामेंटचे आयोजक, यांना विनंती करतो टॉस करायचा आहे। सामना 5 षटकांचा असेल, कमेंटरी बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा नरेंद्र सर। धन्यवाद प्रवीण जी, तो बड़ा मुकाबला बिग फाइट मुकाबला रहेगा, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज सचिन गोली ऑन हैट्रिक, ये देखिए पहले हैट्रिक इस टूर्नामेंट की पाई है। 5 ओवर का खेल समाप्त लगभग हो चुका है, टोटल 37 रन और 38 रनों का लक्ष्य रहेगा इस मुकाबले को जीतने के लिए कोम्बड़बुझे क्रिकेट टीम को। तो 38 रनों के लक्ष्य का किस प्रकार से पीछा करती है कोम्बड़बुझे क्रिकेट टीम और क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाती है गेंदबाजी में वोडाफोन वहाल, बिल्कुल माइक्रोफोन पर आपसे रूबरू होने के लिए बेताब है प्रवीण जी टेम्बे, और डीजे आपके लिए भी एक अच्छी सुनहरी धुन बजाने का एक मौका। दिखा दे जरा, मुझे बता जरा कहता क्या दिल तेरा इश्क का रंग लग
हेलो हेलो, थैंक यू डीजे मैडी। छले के मैदान की तरफ आज का दिन का तीसरा मुकाबला विघ्नहर्ता कोम्बड़ भुज ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया, बैटिंग को इन्वर्ट किया वहाल टीम को। वहाल टीम ने बनाए 5 ओवर में 37 और टारगेट होगा 38 रनों का। नरेंद्र भगत सर हमें ज्वाइन करेंगे माइक्रोफोन पर और बातचीत होगी थोड़ी सी मुकाबले के बारे में। नरेंद्र भगत सर देखिए 5 ओवर के मुकाबले, यहाँ पर टारगेट अभी तक आज मैंने देखा 50 तक कोई नहीं पहुंचा। जो टारगेट था 40, 39, 38, 36, 35, फिर भी मुकाबले बिग फाइट हुए। गेंदबाज बहुत चल रहे, जिस तरह से इस मैच में आखिरी गेंदबाज साहिल कोहली विकेट हैट्रिक, क्या कहना चाहोगे, गेंदबाज इतने क्यों चल रहे इस मैदान पर? निश्चित रूप से प्रवीण जी आपका कहना काफी दुरुस्त है, गेंदबाजी के लिए विकेट ऐसा लग रहा है। काफी सुबह से आपने इस टूर्नामेंट की कमेंट भी की है, हर एक मैच को आपने नजदीक से देखा है, विकेट को आपने नजदीक से देखा है, तो निश्चित रूप से यहां से मैं एक ही अनुमान लगा सकता हूं कि विकेट ये जो मैदान है ये हाल ही में मैदान बनाया हुआ है जिसके ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लेन यहाँ पर बनाई जाएगी, और जिसके कारण अभी हाल ही में ये मिट्टी का पूरा रोलिंग यहाँ पर किया गया, जिसके कारण जो बारिश हुई थी जिसके कारण थोड़ी से मौसम भी रहेगा, और जब विकेट में थोड़ी सी हल्की सी मौसम रहती है तब विकेट गेंद थोड़ी सी लेट उठती है जिसके कारण टाइमिंग नहीं की जाती, और टाइमिंग न होने के कारण जो सीमा रेखा है जैसे मिड विकेट और खासतौर पर लॉन्ग ऑफ की जो सीमा रेखा है वो थोड़ी सी दूर दिखाई दे रहा है, और इन सीमा रेखाओं को क्रॉस करने के लिए टाइमिंग भी चाहिए आपके पास, ताकत भी चाहिए। जब इन दोनों का संगम होगा तब आपको नतीजे 6 आ सकते हैं। अगर मात्र ताकत लगाओगे तो आपको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आप मात्र टाइमिंग करोगे और आप ताकत उस स्ट्रोक में नहीं रहेगी तो भी आप सीमा रेखा के ऊपर से गेंद को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी कभी रेखा है दूसरा बड़ा छक्का आता है जिस समय टाइमिंग और ताकत इन दोनों का मेल होता है, और ऐसे 2-4 ही मौके हम हर एक इनिंग में देख पा रहे हैं, यानी कि ये मुकाबला भी काफी टाइट होगा। सही, बिल्कुल एक बड़ी आपने विश्लेषण किया ओवर का। चलो ग्रीन सिग्नल है, 39, 38 रनों का टारगेट, 5 ओवर में गेम ऑन। पहले नंबर पे गेंदबाजी करेंगे वहाल के कल्पेश गरत। मैच में बहुत मजा आएगा, लो स्कोरिंग का मैच है, पर इस मैदान के इतिहास है कि पैसा वसूल मैच होता है, आखिरी गेंद तक खेला जाता है सर, यानी ये खासियत इस मैदान की। फर्स्ट बॉल उठाया सीधा फाइन लेग डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, दमदार शुरुआत, सीके ट्रॉफी का चौका। धन्यवाद जीजा। प्रवीण मैं तारीफ करूंगा इस बल्लेबाज की, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, 2 विकेट 2 क्षेत्ररक्षक 30 गज घेरे के बाहर है, उसके बाद टाइमिंग ताकत करना मुश्किल रहता है। यही मौका है इस मौके के ऊपर चौका लगाया जाए, यही मौका है इसको दोनों हाथों से बटोरा जाए। डीजे सॉरी, और ये कपिल कोहली नहीं, ये कपिल देव है, पहला चौका लगाया फाइन लेग में। अगर टारगेट छोटा और आप ऐसे बड़े प्रहार करोगे नरेंद्र सर तो टारगेट छोटा हो जाएगा, पर ये पावर प्ले के ओवर है, इसमें लगने चाहिए चौके छक्के। अगर इस ओवर में आप 15 रन बनाते हैं तो 4 ओवर में आपके लिए मैच जीतना बहुत इजी होगा। सोच भी अच्छी है पर विकेट भी बचाने, क्योंकि ये मैदान कहता है कि आखिरी गेंद तक आपको खेलना पड़ता है, चाहे कितनी भी बड़ी टीम हो, गेंदबाजों का दबदबा रहा है सुबह से या फिर 4 दिन में। ये थी गुगली बॉल, बल्ले के नीचे डिलीवर किया था, बल्ला पहले घुमा, अगर देखा जाए तो गेंद एक ऊंचाई पर थी, एक अच्छा अलग अंदाज है गेंदबाज का गेंद डिलीवर करने का, और पहला गेंदबाज है नरेंद्र सर, ये ताकतवर होता है, इसके पास काफी दिमाग होता है, और ये गेंदबाज अगर अच्छी गेंदबाजी करता है तो दूसरी ओवर भी सेकंड स्पेल उसको जरूर दिया जाएगा। ये तो सीधा यॉर्कर, LBW का शिकार, पहला विकेट का पतन। धन्यवाद। तो बिल्कुल अजय केणी स्कोरर के रूप में हमसे जुड़ चुके, एक वड़ौली बी विपक्ष बिंगारी का जो मुकाबला था 36-35 रनों का टारगेट था, आखिरी गेंद तक मुकाबला चला था, और गेंदबाज कल्पेश गरत की मैं तारीफ करूंगा, फ्लाइट दे रहे और गुगली गेंदें कर रहे, ये काबिलियत है कल्पेश गरत को वोडाफोन वाल की ओर से, कई लंबे समय से हम देख रहे हैं, और जब जब
वाहल क्रिकेट टीम संकट में रही है, संकट मोचक का किरदार इन्होंने अपना है। तो कुंभड़भुजे क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी उनको बचाने हैं, क्योंकि विकेट के दस्तूर ये माहौल कहता है कि विकेटों को बचाना काफी जरूरी है। डेफिनेटली गेंदबाज के लिए एक बात कहूंगा, इफ यू कैन बिलीव यू कैन अचीव। चलिए टूर्नामेंट्स का रूल से, एक गांव 11 ग्रामीण खिलाड़ी, कवर पॉइंट पे पतली सी दरार जड़ दिया है सीके ट्रॉफी का एक और चार। क्या बात है, क्या बात है, नो गेन नो पेन। दूसरा चौका आया, पहली गेंद पे आया था, पांचवी गेंद पे आया दूसरा, टोटल है 9 रन और 1 विकेट। ऐसा लग रहा है कि रनों के हिसाब से देखा जाए तो महंगी ओवर है बिल्कुल, क्योंकि 38 का टारगेट है, 5 ओवर में आपको बनाने, यानी करीब अगर 100 की बात करेंगे तो प्रति ओवर 7 या 8 रन, तो वो बन चुके हैं स्कोर कार्ड पे। नरेंद्र सर बिल्कुल रन तो बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, अब ये देखिए लेकिन इस प्रकार की एबिलिटी व्यक्ति, खास बात अगर की जाए प्रवीण जी इस ओवर में, तो एक जो विकेट उन्होंने चटकाई थी वो काफी मायने यहाँ पर रखती है, क्योंकि इस विकेट पे हमने देखा हैट्रिक पिछले मुकाबले में पहले सत्र में कंप्लीट हुई थी फर्स्ट इनिंग में, उसके बाद विकेट तकरीबन 6 या 7 गई थी, तो 7 विकेट गई थी, 8 विकेटें गई थी, तो कुल मिलाकर देखा जाए पहले ओवर में श्री गणेशा के विकेट लेने का, तो इस दूसरे ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी होती है, एक दूसरी विकेट यहां पर ली जाती है। अब बची हुई 24 गेंदे में अगर 20 रन भी बचते प्रवीण जी, तो ये मुकाबला काफी टफ होगा, जिस प्रकार का इतिहास इस मैदान का बता रहे प्रवीण। डेफिनेटली 9 रन तो बन चुके हैं यहाँ पर नरेंद्र सर, और देखा जाए तो अगर 6 गेंद पे 7-8 रन भी आते फिर भी अच्छा स्कोर होगा, यानी फाइटिंग की तरह आखिरी ओवर तक वो खेला जाएगा। पर अगर मैं बात करूंगा इस कुंभड़भुजे टीम के जो बैटिंग कर रहे हैं और बॉलिंग कर रहे हैं वाल टीम, तो वाल टीम भी कुछ कम नहीं है, काफी मर्तबा कुंभड़भुजे के सामने के लिए, और एक ही विभाग से दोनों टीमें, यानी कि दम है दोनों टीमों में, बराबरी का मौका मुकाबला ये यहाँ पर जरूर होगा नरेंद्र सर। बिल्कुल मुकाबला तो काफी बराबरी का जरूर रहेगा, तो गेंदबाजी के लिए प्रतीक पाटिल, प्रतीक पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार होते हैं, बल्लेबाजी के लिए कपिल कोड़ी। कपिल स्ट्राइक ऑन के ऊपर है, पहले ओवर में 9 रन आए थे प्रवीण जी यहाँ पर, ये ओवर काफी मायने रखती है इस मुकाबले की बात करेंगे तो। ये देखिए बड्डे बॉय आज जिनका जन्मदिन है, कपिल कोहली के बल्ले से निकली बंदूक की गोली, एक और चौका। देखिए कपिल कोहली का है आज जन्मदिन, तोहफा देंगे अपने टीम को जीत का, जिस तरह से उनका बल्ला घूम रहा है, कवर पॉइंट पे खेल रहे, लेग साइड पे खेल रहे, खुल के खेल रहे, चारों तरफ खेल रहे, मुश्किल बनाएंगे गेंदबाज को, रन है 13। और ये शायद थी उनकी गलती, बल्ला घुमाना था, टेस्ट क्रिकेट की तरफ प्लेस किया हवा में गेंद, और कपिल कोहली जाएंगे मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे। तो प्रवीण ये इस विकेट की विशेषता है, गेंद थोड़ी सी लेट उठ रही है, जिसके कारण देखा हमने बल्लेबाज डबल माइंडेड हुए, आखिरकार बल्ला कैसे करके अड़ाया, एक आसान कैच था, इस कैच को तोहफे के रूप में दोनों हाथों से बटोरा उस क्षेत्ररक्षक ने, तो इस प्रकार की जब विकेटें रहती थोड़ी सी गेंद लेट उठती है, टाइमिंग का काफी बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसके चलते 50 55 या
सात के औसत से रन जुटाने होंगे तो भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है, मानो मिट्टी में से तेल निकालने वाली बात रहती है। और यही कुछ यहाँ पर, लेकिन कपिल कोड़ी जिनका बल्ला गूगल रहा था, आज उनके जन्मदिन है, 9 रन उन्होंने जरूर बटोरे, 2 चौवे और 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया। लेकिन अब इनफॉर्मर जो बल्लेबाज थे, आरंभिक जोड़ी जो कि अपने खेमे की तरफ लौट चुके, अब मध्य क्रम के ऊपर इस मुकाबले को बचाने की सही मायने में जिम्मेदारी रहेगी। ये देखिए, टेक ऑफ किया था इस गेंद को, फिर एक बार एग्जीक्यूट करना चाहते थे और एक डॉट गेंद की समाप्ति। गेंदबाज प्रतीक पाटिल चौवा जरूर खाया था पहली गेंद के ऊपर, उसके बाद विकेट, फिर डॉट गेंद, यही क्रम गर जारी रखते, यही सिलसिला गर जारी रखते। मुकाबला निश्चित रूप से नो डाउट काफी रफ एंड टफ होगा, क्योंकि हमने पहले इनिंग में भी देखा था प्रवीण, डॉट गेने इस विकेट की काफी बड़ी खासियत बन के उभर कर आ रही है। काफी डॉट गेने हमने पहले इनिंग में देखी थी, और दूसरी इनिंग की भी बात की जाए तो अब तक कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 गेने डॉट आ चुके हैं, उसमें 2 विकेट चटका है। प्रवीण, बिल्कुल बिल्कुल, डॉट गेंदे मुकाबले को अंतिम क्षणों में लेके पहुंचेगी। सम्मानीय सुधीर भोसले, मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि VIP डाइस पे आइए, आपका भी हार्दिक स्वागत CK ट्रॉफी में। और ये कैच हो सकता था, क्या छोड़ा या मैच छोड़ा, पकड़ो क्या, जीतो मैच, अगर तुम छोड़ोगे मेरा कैच तो बड़ा पछताओगे। यानी ये कैच छूटने के बाद मुश्किल बन सकती है। देखिए, ऐसे रोहित शर्मा के कैच छूटी थी, उन्होंने दोहरा शतक लगाया इंटरनेशनल क्रिकेट में। नरेंद्र सर, निश्चित रूप से प्रवीण, कैचेस विन द मैचेस अक्सर कहा जाता है, और कैच पकड़ने के लिए आपको चौकन्ना रहना पड़ता है, आपको जागते हुए रहना पड़ता है। और निश्चित रूप से हिंदी में अक्सर कहा जाता है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। आप जब यहाँ पर ऐसे सोते हुए जब क्षेत्र रक्षण करोगे तो निश्चित रूप से डर लग रहा है कि इस मुकाबले को आपको खोना ना पड़े, आपको पहरेदारी करनी पड़ेगी, जागता पहरा देना पड़ेगा, क्योंकि सामने जो विपक्ष टीम है वो काफी ताकतवर टीम है, उनको कम आंकना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि बल्लेबाजी जी की धार कपिल कोड़ी ने दिखाई थी, उसके बाद अब करण और विघ्नेश उनके पास भी वो प्रतिभा है। प्रवीण, डेफिनेटली विघ्नेश कोहली की क्या छूटे और विघ्नेश के बल्ले से अभी जितने रन आएंगे तो ये भुगतान होगा मेरे ख्याल से। स्ट्राइक पे है करण कोहली, बची है 2 गेंदे, टीम का टोटल है 14 रन है स्कोर कार्ड पर। ये मौका है, ये मुकाबला है बराबरी का। बैकफुट पे गए, गेंद ऑफ स्टंप के सामने से गुजरी और दूर से अंपायर का इशारा वाइड बॉल का यहाँ पे आता हुआ, अतिरिक्त रन आएंगे स्कोर कार्ड पे, टोटल आएंगे 15 रन। गेंदबाज है प्रतीक पाटिल, प्रतीक पाटिल है गेंदबाज, थोड़े से नाराज, पहली गेंद पे चौका लगा था, देखिए नरेंद्र सर, उसके बाद कोई बड़ा शॉट नहीं, विकेट लिए, 1 रन देके डॉट गेंद भी फेंकी, यानी ये कमबैक हो सकता है। 4 गेंदे फेंकी, 2 गेंदे बैलेंस, अभी तक मौका है बल्लेबाज के पास बड़े शॉट लगाने की। बिल्कुल, इस बीच अजनबी और एक विकेट टीम तैयार होते हैं, प्रतीक पाटिल, अश्विन पाटिल जिनको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक काफी सशक्त टीम मानी जाती है अजनबी ओले क्रिकेट टीम, लेकिन उतनी कड़ी चुनौती रखती है केतन मैर एंड कंपनी पावगांव क्रिकेट टीम की। प्रवीण जी, एक समय था हम आज ओले और पावगांव की मैच देखने के लिए कहीं भी जाता, मैं तो कहीं भी एक भी मुकाबला मैंने ओले और पावगांव का इस पंचकृषि में नहीं छोड़ा, उतनी टिट फॉर टैट काफी जबरदस्त मुकाबले रहते थे, और सबसे ज्यादा दर्शक उस टाइम पे ओले और पावगांव की मैच को देखना पसंद करते थे। क्या भीड़ हुआ करती थी, हमने देखा है चिंसपाड़े मैदान पर, हमने देखा है और कामोठे के मैदान पर, बहुत सारे ऐसे यादगार मैदान है जिन मैदानों के ऊपर इन दोनों टीमों ने दर्शकों को बहुत सारा मनोरंजन दिया है क्रिकेट के रूप में। प्रवीण, बिल्कुल, ओपीडी एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट की दुनिया में, जब भी ओपीडी मैदान में उतरते दर्शकों की तादाद उन्हें देखने के लिए तरसती है। उठाया, खराब शॉट, खराब टाइमिंग, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑफ की तरफ पकड़ा कैच, मिलेगा विकेट, एक और सफलता। हेलो हेलो, हेलो, बिल्कुल, देखिए नरेंद्र सर, आपने जो विश्लेषण किया कि ये विकेट गेंदबाजों के लिए बनी है, ये तो बात साफ हो चुकी, क्योंकि 2 ओवर के समाप्ति और 15 रन,
टारगेट है 38 का, यानी मैच बिल्कुल बराबरी का हो रहा है और तीन विकेट चटकाए जो मजबूत विकेट है, यानी अभी तक देखा जाए तो गेंदबाज भी भारी हो रहे बल्लेबाजों पर। निश्चित रूप से यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूंगा प्रवीण, नजर को बदले नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। जिस मेंटेलिटी के साथ आप क्रिकेट खेल रहे हो, जिस योजना के साथ आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर उस योजना में आपको सफलता नहीं मिलती तो निश्चित रूप से प्लान ये आपका सफल नहीं हो रहा है, तो प्लान भी आपके पास तैयार होना चाहिए। इस मुकाबले को रोमांचक बनाना है तो दोनों टीमों को अपने प्लान के ऊपर